जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको AICTE के द्वारा या ICTE से जुड़े हुए अप्रूवल और लिस्टेड यूनिवर्सिटी तथा इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताएंगे। यहाँ बताने के तात्पर्य कि जब कोई इंजीनियरिंग डिग्री या इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेता है तो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछता है कि अप्रूव्ड है कि क्या है। ओके, तो इसकी पूरी कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको बताएंगे दो चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे। ओके, जो यूनिवर्सिटी होती है AICTE से जुड़ी हुई होती है, अप्रूव्ड होती है या नहीं होती है उससे जुड़ी पूरी बताएंगे। सेकंड आपको बताएंगे जो है कि AICTE अप्रूव्ड कॉलेज। ओके, मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे और कॉलेज के बारे में बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर आप यूनिवर्सिटी और AICTE ऐसे लिखेंगे तो एक ऐसा लिंक खुलता है, ओके, जिसे आपको ओपन करना है। ओके, आपको बिल्कुल सिंपल भाषा समझाएंगे। यहाँ पे आपको कोई नियम और कानून जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप सही से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए हम आगे आपको ले चलते हैं। इस साइट पे जब चलेंगे तो यहाँ पे आएगी आपको इतनी चीज़ें आती हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ऑल टाइप यूनिवर्सिटी लिस्ट है जो 2018 तक अपडेटेड है। उसके बाद जो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें AICTE से जुड़ी हुई हैं, कितनी है वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी जो टेक्निकल एजुकेशन देती हैं। ओके, फेक यूनिवर्सिटी से बचने के लिए यहाँ लिख दिया गया, ऐसा नहीं है कि फेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ओके, सेकेंड है आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऐसा ओपन होने के बाद अप्रूव्ड कॉलेज जो होता है, हम दोनों सिमिलरिटी बता रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। ओके, जिसमें लिखा होता है फैसिलिटी करके लिखा होता है उस पर ओपन करना होता है। ओके, दोनों सिमिलरिटी समझा रहे हैं ताकि आपको बराबर समझ में आ जाए। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ज़्यादा दिखेगा और उस पर क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी दिखेगी। ओके, यहाँ पे कॉलेज दिखेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ओके, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यूनिवर्सिटी पब्लिक इंस्टीट्यूट दिखा सा सिंबल दिखेगा। यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो हर साल एनुअली जो अप्रूवल लेते हैं वहाँ पे यहाँ लिस्ट होती है। ओके, कुछ कॉलेज जो ए वन टाइम या फर्स्ट टाइम लेते हैं उसका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको बारी बारी समझाते हैं। सबसे पहली बात, जैसे जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं MHRD द्वारा अप्रूव होते हैं, या ऑटोनोमस कॉलेज UGC होते हैं, या स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, अगर इस लिस्ट में कोई आपका कॉलेज है तो हो सकता है वो यहाँ पे ना हो। ओके, इस लिस्ट में जो एनुअल अप्रूवल होता है इसमें ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह AICTE की लिस्ट में है तो आप पढ़ाई करेंगे तो आपका 100% ठीक माना जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी बता देते हैं, एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो जैसे आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी क्लिक किए तो यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी जितने भी आएंगे वो तो पता चलेगा। सेकंड आपका कंसोलिडेटेड लिस्ट AICTE का जो PDF है। ओके, PDF दिखेगा आपको, आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से इसके अंदर क्या है, 31/3/2021 तक भारत में कितनी यूनिवर्सिटी हैं, ध्यान से समझते हैं, 979 80, हाँ 79 जो है कि यूनिवर्सिटी हैं। तो इसमें जितने भी यूनिवर्सिटी होंगी यहाँ से आप जो भी पढ़ाई करेंगे, आप इंजीनियरिंग डिग्री लेंगे, सब वैलिड होंगी, भले वो AICTE से अप्रूव ना हो लेकिन वो UGC होंगी या जो भी हो उसका नियम होगा, वो नियम आपको जानने की कोई जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे लिस्टेड है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, ये नहीं देखना कि UGC से या AICTE से, लिस्टेड है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, इस चीज़ का उम्मीद समझ गए होंगे आप। आगे ले चलते हैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे। जब वहाँ पे देख ले तो कोई दूसरे जरूर देखने नहीं कि हर स्टेट वाइज यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर ऐसी जो है तो सभी होते हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं ये भी आपको बता ही दिए। ओके, इस तरीके से सारी यूनिवर्सिटी आपको चेक कर लेंगे। फेक यूनिवर्सिटी नहीं जानना है, ठीक है। ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, कुछ कॉलेज होते हैं जो ऑटोनोमस होते हैं। ओके, तो उस ऑटोनोमस कॉलेज को भी लिस्ट आपको PDF अच्छे से दी जाएगी। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस, ये जो होती है IIT NIT और कुछ एक्ट के द्वारा इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन सब की लिस्ट होती है। तो प्रेजेंट के आज के डेट में जो भारत में है वो क्या है, 40 दिख रही है इस डिटेल्स पे। ओके, 2016 तक की अपडेटेड है MHRD की, बाकी और आप देख सकते हैं तमाम जगह पे। ओके, तो इस तरीके से सभी AICTE से ही कनेक्टेड है। तो आपको ये नहीं देखना है AICTE अप्रूव्ड है नहीं है, कुछ नहीं जानना, आपको इस साइट पर मिल रही है तो आप पढ़ सकते हैं, नो इशू। ओके, सेकेंड ले चलते हैं, जो आपको हमने यहाँ बताया यूनिवर्सिटी पे चेक करना है कि क्या है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आना है यूनिवर्सिटी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे क्लिक करना है। ओके, दो तरीके होती है, कहीं कहीं होता है NBA। NBA एक ऐसा होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे प्लेसमेंट आते हैं कंपनियां कॉलेज में कराने के लिए, उसका रेटिंग होता है। नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब के लिए AICTE अप्रूवल जो एनुअल अप्रूवल होता है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो
बैक से बता देते हैं फिर से आपको क्या डालना है। AICTE अप्रूव्ड कॉलेज, ऐसा क्लिक करेंगे। उसके बाद आएंगे आप में जिसमें फैसिलिटी सब दिया रहेगा, फैसिलिटी करके दिया होगा, उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना होगा यूनिवर्सिटी पे। ओके, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यूनिवर्सिटी आएगा, ध्यान से देखिए यूनिवर्सिटी आए। इस पर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो इंस्टीट्यूट जाएंगे। जैसे ये सेशन कौन सा चल रहा है ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ, 2021 और 2022 का। ओके, हम ले लेते हैं भारत में जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी लगभग है उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो हम उत्तर प्रदेश का दिखाते हैं, यूपी सेलेक्ट करते हैं। ओके, प्रोग्राम होता है AICTE जो होते हैं अप्रूवल केवल इंजीनियरिंग के नहीं देती, इंजीनियरिंग के अलावा आपको ये सारी चीज़ें ब्रांचेज होती है, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं उसमें देती है। हम आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं। ओके, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कि लेवल्स में हम आपको डिप्लोमा भी होता है, डिप्लोमा BTEC और MTEC सब होता है। हम यहाँ पे आपको नॉर्मली UG के दिखा रहे हैं, मतलब BTEC का दिखा रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हर तरीके की होती हैं, ज़रूर नहीं हर यूनिवर्सिटी मैंने वहाँ दिखा दिए, जो लिस्ट होगी उसमें सारे एक बार में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सभी ऑल क्लिक करते हैं। यहाँ पे सर्च करने के बाद जो है कि सर्च होने के बाद जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ गई, समझ गए, एवं हमने UP का सर्च किया तो सारी यूनिवर्सिटी भी आ गए, कॉलेज वाले सारे के सारे, हर तरह के इंस्टीट्यूट और सभी आ गए। तो इसमें जो इंजीनियरिंग की है 233 जो है कि संस्थाएँ हैं, समझ गए, जो करंट में 21-22 के लिए अप्रूवल है, समझ गए। तो उम्मीद है आपको पूरी जानकारी इस तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको कोई नियम जानने की जरूरत नहीं है कौन किससे क्या कनेक्टेड है, आपको दो तरीके से देखना है। एक ही चेक करना है कि जो AICTE की साइट पे यूनिवर्सिटी लिस्ट है उसमें आपकी यूनिवर्सिटी है कि नहीं, अगर वो IIT NIT है तो इस लिस्ट में मिल जाएगी, बाकी अगर यूनिवर्सिटी है तो UGC का यहाँ पर लिंक्ड है, हाइपर लिंक्ड कनेक्शन है, वो यहाँ पर मिल जाएगा। अगर कोई आपका इंस्टीट्यूट है तो आपका इंस्टीट्यूट इस साइट पर मिल जाएगा, जो कि आपको इंस्टीट्यूट वाइज आपको डिटेल्स मिल जाएगी, सर्च करके इंस्टीट्यूट सर्च हो जाएगा। उम्मीद है पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा आप जरूर शेयर करिएगा। आप पूरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कोई कन्फ्यूजन होती है तो उस चीज़ को कमेंट करते हैं, मुझे इस बात की काफ़ी खुशी मिलती है क्योंकि हम उसके बारे में आपको बराबर जानकारी दे पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।